हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी 11th फिजिक्स यूनिट 9। और मैंने आपको बताया था ये चैप्टर किसी में 11, 12, 13 जो भी है देख लेना। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी, 11th फिजिक्स का ये यूनिट 9 होगा। और आज जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। फिर हम अभी समझेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। पहले एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब समझो। इसमें ना तो हीट क्या होता है इनसाइड टू क्या होता है आउटसाइड जाता है, या आउटसाइड से इनसाइड एंटर करता है। मतलब हीट ना तो अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल में जो अपने घर में हम लोग थर्मस यूज करते हैं, तो देखते हो थर्मस में जब क्या किया जाता है, पानी को मतलब गर्म पानी को रखते हैं तो पानी मैक्सिमम टाइम गर्म ही रहता है, क्योंकि जो हीट होता है ना इनसाइड टू आउटसाइड जाता है ना आउट से इनसाइड जाता है। मतलब सिस्टम से ना तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हीट ट्रांसफ़र होता है, ना तो क्या होता है इन्वायरमेंट से सिस्टम में हीट ट्रांसफर। मतलब हीट ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। देखो क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब समझना। एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच द प्रेशर वैल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या एनवायरनमेंट भी लिख सकते हो। मतलब क्या बोलोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ताप दाब और आयतन में तो परिवर्तन होता है, किंतु पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है निकाय का ताप नियत रहता है, ना तो उसमें अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से उसमें अंदर आता है। वह प्रक्रम जिसमें ताप दाब आयतन में परिवर्तन होता है किंतु ऊष्मा न तो अंदर से बाहर जाता है न बाहर से अंदर आता है, ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलोगे, एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज प्रेशर वैल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज बट क्या लिखोगे, देयर इज नो एक्सचेंज हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। मतलब इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट चेंज नहीं होता है। जैसे अपना एक गैस है, कोई अपने पास एक कंटेनर है, सिलेंडर है, इसमें गैस हम लोग फिल्ड कर दिए। इनिशियल में ये पिस्टन यहाँ पे था, लेकिन जैसे आपने इसके प्रेशर को डिक्रीज किया तो वैल्यूम इंक्रीज हो गया, P2V2 हो गया, और कितना इसमें चेंजिंग हो गया, स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें जो आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडियाबैटिक तो ये बना है एडियाबैट्स से बना है, एडियाबैट्स। तो देखो ए का मतलब होता है नॉट, और डिया का मतलब होता है थ्रू, और बैट्स का मतलब होता है हिट, ठीक है ना। नॉट थ्रू हिट, नॉट थ्रू हिट। और एक जानते हो ग्रीक वर्ड होता है एडियाबैटिक, मींस जो होता है हिट नॉट पासिंग थ्रू, मतलब जिससे क्या हो रहा है, जिससे उष्मा बाहर ना निकले, जिससे उष्मा बाहर ना निकले, उसको आप लोग बोलोगे रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या बोलोगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखिएगा। ए का मतलब होता है नॉट, और डिया का मतलब होता है थ्रू, और क्या होता है बैट्स का मतलब होता है हिट, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड का एडियाबैटिक मीन्स होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका एडियाबैटिक मीन्स क्या होता है हीट नॉट पासिंग थ्रू, मतलब जिससे उसमें बाहर ना निकले। जो थर्मस का बॉटल होता है वो यदि पानी गर्म है तो लगभग गर्म ही रहता है, क्योंकि उसका उसमें बाहर नहीं जाता है ना बाहर का उसमें अंदर आता है। तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। वेरी मोस्ट है, आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए हम लोग थोड़ा स्पीड देखेंगे। यदि कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को क्या करिए, वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे जाइए, मतलब इसी को स्लाइड करके पीछे जाके अच्छे से कंसेप्ट करिएगा। और जो हमारे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हो तो इसमें फर्स्ट लेक्चर जाके आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया सेम वही चीज जो अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एज्यूम किए थे। कंसिडर एन मोल आइडियल गैस कंटेनिंग इन अ सिलेंडर हैविंग इंसुलेटर वॉल एंड प्रोवाइडेड विथ अ फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन, लेट पिस्टन प्रेशर इज पी, ठीक है ना, लेट पिस्टन प्रेशर इज पी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। मैंने मान लिया कि कोई एक बर्तन है, कोई एक आदर्श गैस है, ठीक है ना, जिसमें बेलनाकार बर्तन में माना चित्रानुसार कोई एक बेलनाकार बर्तन में आदर्श गैस भर रही है। एन मोल गैस के लिए इसमें क्या है, एक इसमें पिस्टन लगा हुआ है जो क्या कर रहा है ऊपर नीचे आ सकता है तथा वह घर्षण रहित है, ठीक है ना। पिस्टन का प्रेशर क्या है, पिस्टन का दाब पी है, और इसका क्या है बोलोगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है
ए है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इतना आप लोग मान लोगे। वर्क डन बाय पिस्टन मूव्स, वर्क डन बाय पिस्टन मूव्स अप थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, पिस्टन को स्मॉल डिस्टेंस dx विस्थापित होने में किया गया कार्य, अल्प दूरी dx विस्थापित होने में पिस्टन द्वारा किया गया कार्य। आप लोग जानते हो सभी लोग वर्क इक्वल टू, देखो वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो वर्क भी इंक्रीज करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा तो वर्क भी इंक्रीज करेगा। तो आप जानते हो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बताओ बेटा हम लोग एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है बी नो, देन आप बताओ क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल टू पी ए लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, एफ इक्वल टू पी ए। तो यहाँ यदि आप पी ए प्लेस कर दो और dx हो जाएगा, अभी मैंने समझाया था p हो जाएगा, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये जो डिस्टेंस है ये हाइट का यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको जब आप एज्यूम करोगे तो ये dB में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा ए डी एक्स इज इक्वल टू dB, तो आप बोलोगे क्या है, इंक्रीज वैल्यूम ऑफ द गैस, इंक्रीज वैल्यूम ऑफ द गैस। ये क्या है अभी आप लोग थोड़ा समझिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल के जगह पे चूंकि आप जानते हो दाब बराबर कार्य बटे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो यहां से निकालोगे तो एफ इज इक्वल टू बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने एफ के जगह पे दाब इंटू क्षेत्रफल लिख दिया डी एक्स, और देखो ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, और ये ऊंचाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये सब मिल जाएगा तो आयतन, तो क्या हो जाएगा ए डी एक्स के जगह पे डी भी, इंक्रीज वैल्यूम ऑफ द गैस। ये जो वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले यहाँ तक इसका वैल्यूम था, अब ये इंक्रीज हो गया, तो इसी को इंक्रीज वैल्यूम ऑफ द गैस बोलोगे। मैंने आपको अभी बताया था कि ये तभी वैल्यूम इंक्रीज होगा जब प्रेशर को डिक्रीज करोगे, पी टू जब क्या होगा पी वन इज गेटर, सॉरी ये पी वन इज लेस देन पी टू हो जाएगा, पी वन इज लेस देन, जब पी वन क्या हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज होगा, देन पी टू इज गेटर देन वी टू इज गेटर देन वी वन हो जाएगा। ये चीज़ रिमेंबर रखना और अच्छे से कंसेप्ट कर लेना, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको चलते हैं, टोटल वर्क डन बाई एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग निकाल रहे हैं। देख रहे हो मैंने माना है इनिशियल स्टेट गैस का पी वन वी वन है और इसका क्या है फाइनल स्टेट पी टू वी टू है। जैसे हम लोग गैस के क्या कर रहे हैं प्रेशर को पी वन से पी टू डिक्रीज करेंगे, गैस की वैल्यूम जो होता है वी टू टू वी वन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए बेटा हम समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने क्या क्या लिया, लेट्स क्या है गैस का इनिशियल पोजीशन क्या है, आप लोग देख रहे हो पी वन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर पी वन वी वन एंड पी टू वी टू। व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम पी वन टू पी टू देन वैल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम वी वन टू वी टू। मैंने क्या मान लिया कि गैस की प्रारंभिक अवस्था और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पी वन वी वन और पी टू वी टू है। जब गैस के दाब में हम पी वन से पी टू कमी कम करते हैं, गैस के दाब को पी वन से पी टू घटाते हैं, तो गैस का आयतन क्या होता है वी वन से वी टू बढ़ जाता है, हमने इतना मान लिया। तो बताओ टोटल वर्क डन बाय द गैस कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए कौन बताएगा, टोटल वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू अभी बताया था मैंने क्या होता है पी डी बी होता है और वी टू टू वी वन। मैंने अभी समझाया था कि यदि गैस का आयतन वी वन से वी टू बढ़ रहा है तो गैस प्रसार में किया गया कार्य, गैस प्रसार में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, मतलब वर्क इज इक्वल टू पी डी बी होता है। और कहाँ से कहाँ तक, वी वन टू वी टू, कहाँ से बढ़ रहा है गैस का आयतन, वी वन से वी टू बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब एक बात इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया वी नो, यहां पे एक वर्डिंग लिखना पड़ेगा वी नो दैट एडियाबैटिक गैस इक्वेशन क्या होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है या पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये होता है क्या, क्या होता है एडियाबैटिक गैस इक्वेशन या एडियाबैटिक आइडियल गैस इक्वेशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एडियाबैटिक आइडियल गैस इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ पे
आइडियल भी लिख लोगे, आइडियल गैस इक्वेशन। पी बी गामा इजिकल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, या पी वन बी वन गामा इजिकल टू पी टू बी टू गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, वेयर गामा इज क्या हो जाएगा, वेयर क्या हो बताओ, जल्दी बताओ, वेयर गामा इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन सी बी, ठीक है ना। ये क्या है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको। गामा क्या है, सी पी और सी बी का रेशियो है, इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब उष्मा धारिताओं का अनुपात है, ठीक है ना। क्या है ये, उष्मा का क्या है, उष्मा धारिताओं का अनुपात है, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं, तो अच्छा बताओ क्या होता है, पी बी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। देन यहाँ से आप बताओ, यदि मैं बोलूँ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू तो क्या बोलोगे आप, के आइए चला जाएगा बी अपॉन क्या हो जाएगा, गामा। अब क्या करेंगे, इसको पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फर्स्ट में यहाँ प्लेस कर दो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, V2 टू टू वी वन हो जाएगा, और ये P के जगह पे क्या लिखोगे, K अपॉन V का पावर गामा, और D भी लिखोगे। मैंने भी बताया K कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, V2 टू टू वी वन और वन अपॉन V और क्या हो जाएगा, डी भी। अभी मैंने आपको समझाया था बेटा, हमने क्या किया था, वन अपॉन बी का हम लोगों ने क्या किया था बताओ, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन बी डी बी का लॉग बी होता है, इसका करोगे। अच्छा बताओ, सॉरी यहाँ पे गामा भी है ना, तो देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वन अपॉन बी होता तो वन अपॉन बी डी बी का लॉग बी, लेकिन वन अपॉन बी का पावर गामा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, वी टू टू वी वन हो जाएगा, और ये वी पावर माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है ना, डी बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो वन अपॉन एम का पावर एन है, ऊपर जाता है तो इसे एम पावर माइनस एन पावर रूल आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते हो। अच्छा बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और देखो जो भी पावर होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं ना बेटा, तो पावर में एक वन ऐड कर देते हैं, वी का पावर माइनस गामा प्लस वन, और यहाँ भी माइनस गामा प्लस क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। और कहाँ तक, वी टू टू वी वन। ये क्यों मैंने लिख दिया बेटा, ये फॉर्मूला होता है x के पावर n dx लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस वन अपॉन में भी n प्लस क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पे हम w इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, k, ठीक है ना, इसको हम लोग k लिख ले रहे हैं, और इसको पहले लिख लें वन माइनस गामा, क्या लिख लिए, वन माइनस गामा। अच्छा वी का पावर माइनस कॉमन कर लो, यहाँ से माइनस कॉमन करो तो गामा माइनस वन आएगा, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, वी टू टू वी वन, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन किया। अब देखो वन अपॉन ये माइनस है ना, तो ये जब माइनस पावर होता है इसको अपॉन में आप लिख सकते हो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वन माइनस गामा, और क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, वी का पावर गामा माइनस वन हो जाएगा, अब वी टू टू वी वन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला था W इज इक्वल टू के वन माइनस गामा, इसको अपर लिमिट वी टू की जगह पे वी वन और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला आप लगा दो, वन अपॉन वी टू और गामा माइनस वन अपॉन वी वन गामा माइनस वन, ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसको आप क्या लिखोगे बताओ, अपर लिमिट, इसको अभी मैंने एक बताया था फॉर्मूला होता है, फंक्शन एफ एक्स लिखा हो और ए टू बी लिखा हो तो इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक फार्मूला होता है, इस पर हम लोग इसको लिख लेते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट की जगह पे वी टू माइनस लोअर लिमिट। अब एक काम करो बेटा, आप के का इंटू करवा लो तो वन अपॉन माइनस गामा, अच्छा होता है इंटू हो जाएगा तो क्या बचेगा, के अपॉन क्या होता है, वी टू गामा माइनस वन माइनस के अपॉन क्या हो जाएगा, वी वन गामा माइनस वन, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। अब देखो बहुत बेसिक है, कंसेप्टेड है, कुछ है नहीं। अभी मैंने आपको समझाया था पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू बी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, पी वन वी वन गामा
इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये हम जानते हैं, वी नो। तो बेटा ये देखो, जहाँ वी टू है ना, तो इसके जवाब पे के जवाब पे क्या लिखोगे, पी टू वी टू गामा लिखोगे, और वी वन है तो इसके जवाब पे क्या लिखोगे, पी वन वी वन गामा। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वन अपॉन वन माइनस गामा, और यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगा, पी वी टू के जगह पे वी टू वाला वैल्यू रखना है, ये रिमेम्बर रखना है, पी टू वी टू गामा, और नीचे क्या है, वी टू गामा माइनस वन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पी वन वी वन गामा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वन गामा माइनस वन, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इसको हमें यहाँ से कैंसिल करना है वी टू को, तो W इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, अच्छे से देखो, 1 माइनस गामा, बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है ना, डेरिवेशन बहुत इजी है, लॉन्ग थोड़ा है, इजी है बट, ठीक है ना। अब बताओ इसको, इसको हम P2 लिख लें, इसको V2 गामा माइनस वन, और V2 लिख लें, और यहाँ पे V2 गामा माइनस वन लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें, P1 V1 गामा माइनस वन, V1 लिख लें, और V1 गामा माइनस वन, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। पूछो क्यों लिख दिया बेटा, देखो ये बेस जो है ये वी टू गामा माइनस वन, और ये जो वी टू है ये दोनों बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे, वी टू गामा माइनस वन प्लस वन, प्लस माइनस कट जाएगा, वी टू गामा हो जाएगा, मतलब हम लोग वी टू गामा को क्या लिख सकते हैं, वी टू गामा माइनस वन, वी टू के वी टू पावर वन, बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगे वही आएगा, उसको हम लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट कर लिए होगे, ये वी टू गामा माइनस वन से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पी टू वी टू बचेगा, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन माइनस गामा है, और पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोग हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी वन होता है, एंड जो पी टू वी टू होता है इसके जगह पे क्या होता है, आर टी टू होता है, फॉर आइडल गैस एन मोल के लिए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी है निकाल लिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग वन मोल के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे यदि एन मोल हम लोगों ने माना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फॉर एन मोल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, यदि यहाँ एन मोल है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, अपॉन में सब एन जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे एन आर टी आ जाएगा, ठीक है। फॉर वन मोल के लिए निकालेंगे, एन के लिए निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पी बी इज इक्वल टू एन आर टी वन, और इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एन आर टी टू, पुटिंग दिस वैल्यू, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस गामा, ठीक, वन माइनस गामा, और क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, पी वन वी वन के जगह पे क्या हो जाएगा, एन आर टी वन, सॉरी यहाँ पे टी टू हो जाएगा ना, ये वी टू वाले की जगह पे टी टू माइनस एन आर टी वन हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से एन आर को बाहर निकालो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर बाहर आ गया, वन माइनस गामा, और क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन। यदि इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे, ये टी वन इधर आएगा, टी टू इधर जाएगा, तो ये भी इधर आ जाएगा, जब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर गामा माइनस वन, और क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाई इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यही क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य है। फॉर एन इज इक्वल टू एन मोल, फॉर एन इज इक्वल टू वन मोल, मतलब यदि गैस वन मोल हो जाए, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के जगह पे वन हो जाएगा, आर गामा माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू हो जाएगा, और यही क्या है, वर्क डन बाई इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यही समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर वर्क डन बाई इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये वेरी मोस्ट है, बार बार आता रहता है। यदि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए, यदि उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम
या हमारे WhatsApp पे या हमें भी कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।